एक्चुअली कैमियो वाज नेवर इन माय थॉट। शाहरुख सर ने थोड़ा पुश किया और मैंने उसको हाँ किया। मुझे लगा ऐसे छोटे छोटे कैमियो करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपने काम से जब थक जाते हैं तो वो छुट्टी पे जाते हैं। मैं जाके 2 दिन का कैमियो करके आ जाता हूँ, चाहे वो स्कैम हो चाहे क्या जवाब। ये प्रोसेस बहुत लंबा था और 1.5 साल तक चला। तब कोई नहीं था उसके अंदर, ना नयनतारा थी ना दीपिका थी, ये सब बाद में हुआ। पहले तो 2-3 में हम समझ रहे थे किस तरह के लोग चाहिए, क्योंकि कैसा कमर्शियल होना चाहिए, किस तरह के एक्टिंग होनी चाहिए, मिक्स एंड मैच चाहिए, क्योंकि कुछ नोन फेसेस थे, कुछ अननोन थे, कुछ फ्रेश फेसेस थे, कुछ साउथ के थे। तो एक बहुत मिक्स एंड मैच हमें एक ये डिसाइड हुआ कि पैन इंडिया फिल्म लगना चाहिए। डंकी ऐसी फिल्म है जो मतलब कहते हैं ना कि वह सारी फिल्में बहुत दिल के क्लोज होती है, लेकिन वो एक राजकुमार रानी जो पूरा फिल्म स्कूल है अपने आप में, वो फिल्म के बारे में आई थिंक यू शुड वेट एंड वॉच। क्या आज के डेट में भी जो ये टॉप एक्टर्स हैं, क्या वो लोग आज भी रिहर्सल कर रहे होते हैं अपने टेक से पहले? अगर वो इस पोजीशन पे सब लोग बैठे हैं ना, सब लोग रिहर्सल करके मेहनत करके बैठेंगे तो कोई भी 30-35 साल तक रूल नहीं कर सकता। मोहब्बत है उनको अपने काम से और लोगों से, वो हर आदमी को इतना प्यार करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सेट पे है तो क्या। जितने भी लोग उनको अगर मिलेंगे भी, नॉर्मली मिलने भी आते हैं, जितनी तहजीब और इतना इज्जत वो देते हैं, ये कोई भी इसको डेवलप नहीं कर सकता। ये आपके अंदर होती है। हेलो सर, कैसे हो आप? जी बिल्कुल अच्छा हूँ, आप बताइए। आपके साथ मुलाकात हो रही है अभी जूम के थ्रू। जूम के थ्रू हो रही है, मिलने का एक अलग मजा होता है। सबसे पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी टू यू। आपको भी बहुत बहुत जी शुक्रिया। भगवान सबकी जिंदगी में खुशियां लाए, गरीब जी सबको, और मोहब्बत और सबको अच्छा बनाए। बहुत अच्छा बनाए। अच्छा, आजकल तो एक ही टॉपिक के ऊपर हर जगह बातें हो रही है, और वो है जवान, जिसकी कास्टिंग आपने की है। और बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, मैं बता दूं कि आपका एक रोल भी था उसमें, आपने कैमियो भी किया है। ये नहीं, काफी लोगों को पता है, अब तो तो पता लग गया, क्योंकि आप इतने सारे मैसेजेस आ रहे, इतने सारे पोस्ट आ रहे, पता लग गया। एक्चुअली कैमियो वाज नेवर इन माय थॉट्स। ये तो एक्चुअली, और शाहरुख सर ने थोड़ा पुश किया और मैंने उसको हाँ किया। और मुझे लगा ऐसे छोटे छोटे कैमियो करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अपने काम से जब थक जाते हैं तो वो छुट्टी पे जाते हैं। मैं जाके 2-3 दिन का कैमियो करके आ जाता हूँ, चाहे वो स्कैम हो चाहे जवाब। हाँ, तो अच्छा ऐसा था कि ये जो कैरेक्टर आपने प्ले किया जवान में, वो आप ऑलरेडी उसकी कास्टिंग कर रहे थे, एंड देन दिस हैपेंड लाइक बाय द वे। हाँ, क्योंकि वो जब मैं कास्टिंग के प्रोसेस में बहुत सारे जोक्स क्रैक करता हूँ तो आई कीप इट वेरी लाइट, बिकॉज आई डोंट वांट टू इट शुड लुक लाइक वेरी स्ट्रेसफुल मीटिंग होती है, तो मैं थोड़ा सा लाइट रखता हूँ। तो व्हेनेवर क्रैकिंग सम रैंडम जोक्स, सो एटलीस्ट अरे व्हाई डोंट यू डू दिस, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, एंड यू डू इट विल मेक इट मोर फन, एंड इट्स ऑल इम्प्रोवाइजेशन। तो जितनी भी लाइन आप देख रहे हैं वो सब इम्प्रोवाइजेशन है, तो ओके वो चल रहा है। तो बस ऐसे हुआ था, और एटलीस्ट सेट करो देन साउथ रोड से रहा कर 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 मजा आएगा। तो बस ऐसे ही स्टार्ट हुए, कभी दिमाग में नहीं था, कभी थॉट नहीं था, और मुझे नहीं पता था कि उस छोटे से कैमियो को इतना प्यार मिलेगा, या वो अच्छी बात है। ऑफ कोर्स। अच्छा, एक बात करते हैं कि बिल्कुल शुरुआत वाली कास्टिंग की, जब जवान की आपसे बात हुई, जवान को लेकर एटली सर ने बात की होगी, तो किस तरह का ब्रीफ आपको दिया गया और किस तरह का चैलेंज था आपके सामने? बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बहुत बड़ी फिल्म, और क्या है वो एटली जो है वो साउथ इंडस्ट्री में बहुत सारा काम किया है, जो कि हमारी इंडस्ट्री है, हम लोग सब एक ही इंडस्ट्री के लोग हैं, लेकिन उनकी पहली बॉलीवुड के अंदर पहली हिंदी फिल्म थी। तो वो समझने में, हम दोनों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि क्योंकि साउथ में कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते हैं, यहाँ पे एक एक प्रोफेशनल को हायर किया जा रहा है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है। तो पॉइंट ऑफ व्यू को बताने के लिए मुझे डायरेक्टर को समझना बहुत जरूरी था। जब फिल्म आई थी उसमें सिर्फ शाहरुख सर थे, तब कोई नहीं था उसके अंदर, ना नयनतारा थी ना दीपिका थी, ये सब बाद में हुआ। ये प्रोसेस बहुत लंबा था और 1.5 साल तक चला। और पहले तो 2-3 में हम समझ रहे थे किस तरह के लोग चाहिए, क्योंकि कैसा कमर्शियल होना चाहिए, किस तरह की एक्टिंग होनी चाहिए, मिक्स एंड मैच चाहिए, क्योंकि कुछ नोन फेसेस थे, कुछ अननोन थे, कुछ फ्रेश फेसेस थे, कुछ साउथ के थे, कुछ गिरिजा मराठी से थे, सुनील ग्रोवर यहाँ से था, फिर जोगी बाबू वहां से। तो एक बहुत मिक्स एंड मैच हमें एक ये डिसाइड हुआ कि पैन इंडिया फिल्म लगना चाहिए। पहला डिसीजन तो ये था कि शुड लुक लाइक अ पैन इंडिया फिल्म, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड आवर प्रोसेस, कि अब इसमें थोड़े नोन फेसेस चाहिए, तो देन आई थॉट ऑफ सान्या, प्रिया मणि, गिरिजा, देन न्यू फेसेस चाहिए, दैट्स व्हाई वी सारे ऑडिशनिंग, देन वी फाउंड आलिया, संजीता, लहर, एंड तो इस एंड देन वी वांटेड टू सरप्राइज पीपल टू कास्ट सुनील ग्रोवर, के बाद में ही टर्न आउट टू बी नेगेटिव कैरेक्टर। तो सुनील की इमेज ऐसी अच्छी है, हैप्पी, पॉजिटिव है, तो दैट तो बहुत सारा थॉट इसके पीछे गया था, चाहे वो थोड़ा सा पीएम मिनिस्टर का रोल हो, चाहे डॉक्टर का रोल हो, चाहे बाकी जितने भी रोल थे, उसके अंदर बहुत थॉट गया था कि उन सबके चेहरे ऑन द फेस नेगेटिव नहीं लगने चाहिए। तो बहुत सारा डिस्कशन हुआ था। कितने टाइम लगा था आपको टोटल, अगर मैं पूछूं इसकी कास्टिंग में पूरी?
1.5 साल लगा डेढ़ साल एंड इट्स अ वेरी लाइक विमेन हेवी फिल्म, बहुत था। यस सारी लेडीज है विच इज अ फैब थिंग बिकॉज बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, तो दैट वाज अ ट्रीट फॉर मी फॉर श्योर एंड फॉर सो मेनी पीपल आल्सो। तो जवान की गर्ल गैंग की बहुत बातचीत हो रही है और पीपल आर आस्किंग, क्योंकि ऐसा नहीं कि इन्होंने पहले प्रोजेक्ट्स ही नहीं किए थे, बहुत नहीं किए थे, बट फिर भी लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते थे। ऐसा एक बजट आता लाइफ में ना जिससे लोग आपको पहचान बना लेते थे। अब देखो जब चक दे हुआ था तो सडनली कितना चक दे की लड़कियों को कितना अटेंशन मिला था, कितना, क्योंकि फिल्म कैसा है, दंगल हुआ तो चाहे वो जायरा वसीम हो, चाहे सान्या या फातिमा या सुहाने, कितना अटेंशन उनको मिलना। जैसे कुछ ऐसा सब्जेक्ट आता जहाँ पे लोग इक्वली सब इम्पोर्टेंट बन जाते, फिल्म का हिस्सा बन जाते, तो लोग बात करते हैं। अब जैसे ये फिल्म हुआ, आप देखो कि कितना अच्छा उन लोगों ने काम किया और कैसे वो उनको प्यार मिल रहा है। मैं खुद सरप्राइज हूँ, मैं उन लोगों के रोज मैसेजेस आते हैं, बात करता हूँ, तो समझ में आता है कि कितने खुश हैं वो लोग। तो ये सब चल रहा है जो बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स। और इनमें से कौन सी लड़की थी, इन 6 लड़कियों में से, जिनकी कास्टिंग में थोड़ा टाइम लगा ज्यादा या फिर मतलब नहीं, जो नई लड़के ढूंढने में हमेशा वक्त लगता है, बाकी तो थॉट था। इसी थॉट में आप डिस्कशन करके निकालते हो कि सान्या के बारे में सोचते हैं, प्रिया मने के बारे में सोचते हैं, गिरिजा के बारे में। गिरिजा वाज ऑल्सो लिटरली न्यू इन बॉलीवुड। लास्ट फिल्म शी डिड वर आई थिंक तारे जमीन पर, देन शी वर डूइंग सो मच वर्क इन मराठी सिनेमा। तो वहाँ ऐसा आइडिया था कि सरप्राइज करना चाहिए। नई लड़के को ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा था क्योंकि वी हैव ऑडिशन सो मेनी पीपल। तो दिस आलिया कुरैशी, आई मेट हर विद समबडी, मेड हर मीट, देन आई ऑडिशन हर। देन संजीता केम फॉर ऑडिशन थ्रू इंस्टाग्राम, वी मेट हर। एंड देन ऑफ कोर्स लहर के साथ मैंने बचपन में बहुत चाय ऐसा चाय लगता, शी डिड सो मच वर्क विद अस। अभी वो सोचा ग्रोन अप हो गई, शी विल बी राइट फॉर द पार्ट, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड ऑडिशनिंग। अच्छा, सान्या मल्होत्रा को ही देख लीजिए, चाहे एक तरफ हम सान्या मल्होत्रा को देखते हैं लीड रोल्स करते हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने भी कैसे शुरुआत की थी, दंगल से की थी, एंड देन वो शी बिकेम सो फेमस एंड उनकी एक्टिंग लोगों को पसंद आने लगी कि वो लीड रोल्स करने लगी, कई फिल्मों में किया। उसके बाद हम जवान में उनको इस तरह के कैरेक्टर में देखते, जहां पे ऐसा नहीं कि वो यू नो लाइक शी इज द सेकंड लीड और समथिंग लाइक दैट, बट जो भी उनका कैरेक्टर था वो बहुत इम्पैक्टफुल था, उनकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ आई की। थिंक क्रेडिट गोज टू सान्या। मैंने आई रिमेम्बर कॉलिंग सान्या कि ऐसा है, ऑनसेंबल फिल्म है, बट आई थिंक शुड डेफिनेटली हियर द नरेशन एंड मीट द डायरेक्टर। तो हमने उस वक्त कोविड, आई थिंक उस वक्त थोड़ा ये दोनों बॉम्बे में नहीं थे, वो चेन्नई में थे, तो ये सब जूम कॉल हुआ था सान्या के साथ। एंड आफ्टर द जूम कॉल सान्या कॉल मी, इट्स साउंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ ह्यूज फिल्म, ह्यूज सेटअप, एंड इट्स शाहरुख खान, यू नो ऑफ कोर्स इट्स शाहरुख खान, मतलब हाउ कैन यू नॉट। तो आपको 10 बार सोचना पड़ेगा बिफोर यू सेइंग नो टू समथिंग लाइक दिस। तो देन शी लव्ड इट एंड शी सेड आई वांट टू डू इट, बट शी वाज सो बिजी, उसका डेट्स में एडजस्ट करने में थोड़ा हमको वक्त लग गया था क्योंकि क्या, लेकिन फाइनली शी लव्ड इट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड शी सेड यस एंड आई एम ग्लैड कि उसकी लाइफ में जितनी भी अच्छी फिल्म्स हुई है, जो कर रही है, उसमें मेरा कहीं ना कहीं एक छोटा सा योगदान है, तो अच्छा लगा। एंड आई थिंक यू नो जिस तरह का प्यार जवान को मिला है, इट्स नो मोर अ फिल्म, इट्स अ सेलिब्रेशन, इट्स अ इट्स अ फेस्टिवल। दिवाली फॉर एवरीवन, इट्स द शाहरुख खान फेस्टिवल गोइंग ऑन। अभी तो और आने वाला है, अभी तो 10 दिसंबर में और पटाखे फूटने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल फूटने वाले हैं। एंड आई थिंक यही चीज थी, क्योंकि सान्या ने तो स्पेशली अपनी रील डाली अपने अकाउंट पर जिसमें शी वाज डांसिंग इन द थिएटर एंड लकी रादर शी इज दैट एक्ट्रेस जिनको हमने अभी अभी जवान में देखा है, शी वाज सो इन ऑफ शाहरुख खान एंड जवान इन इट्स एंटायरिटी। तो वो बहुत वो था देखना, उनको ट्रीट था हम सबके लिए कहीं ना कहीं। बाकी अगर मैं आपसे ये भी पूछूं, क्योंकि आपने यहाँ पर काम भी किया है, लाइक एज एन एक्टर भी काम किया, तो हाउ शाहरुख खान एज अ को एक्टर देयर, ये कलर बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उनके साथ मेरे इतने सालों का रिश्ता है, इतने सब इतनी सारी फिल्में उनके साथ करी है, जिसमें यू नो हेल्पिंग इन चक दे, देन भूतना, देन जीरो, देन धैर्य में, इतना सारा फिल्म उनके साथ किया है। वो सिर्फ मोहब्बत है, उनसे ज्यादा प्यार किसी आदमी को मैंने नहीं देखा, किसी दूसरे ह्यूमन को करते हुए इन ऑल पॉसिबिलिटी। जो इतना खूबसूरत इंसान, इतने कंफर्ट आपको कर देते हैं कि आप ऐसा, आप जब उनके साथ बात करते हो आप उनको देखते रहते हो, यू नो यू जस्ट कीप लुकिंग एट हिम। तो और वो जितना कंफर्ट आपको ऐसा पर्सन करते हैं कैमरा के सामने, आपको उतना और मतलब और फील कराते हैं, ऐसा लगने लगता है कि आप उस सीन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो एक एक खास, आई थिंक वो क्वालिटी किसी के अंदर नहीं है, वो कोई पैदा भी नहीं कर सकता। आई थिंक ओनली ही कैन डू इट।
या एब्सोल्युटली। और ये मेरी जिससे भी बात हुई है मेरे को यही मैंने सुना है, संजीता से ही बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से शाहरुख खान ने उनको इतना कंफर्टेबल फील कराया एंड ही वाज आल्सो मॉकिंग हर थ्रू आउट ताकि वो कंफर्टेबल फील करे। सेम वेंट विद लहर आल्सो, लहर खान आल्सो, उन्होंने भी सेम चीज बोली कि शाहरुख खान ने बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कराया। इनफैक्ट उनका कॉलर तक ठीक करने के लिए वो एक बार आ गए थे सेट पर अपने आप। तो ये चीजें आप एक सुपरस्टार से यू जस्ट डोंट एक्सपेक्ट यूजुअली ना। आई थिंक वो ह्यूमैनिटी के साथ आते हैं और बहुत दिल के बहुत साफ इंसान है। दिल उनका काम में इतना मोहब्बत है उनको अपने काम से और लोगों से, वो हर आदमी को इतना प्यार करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सेट पे हैं तो क्या, जितने भी लोग उनको अगर मिलेंगे भी, नॉर्मली मिलने भी आते हैं, जितनी तहजीब और इतना इज्जत वो देते हैं, ये कोई भी इस पर डेवलप नहीं कर सकता, ये आपके अंदर होती है। और शाहरुख खान वैसे कितने वो थे इन्वॉल्व थे इसकी कास्टिंग में, बिकॉज ही लाइक थ्रू आउट ऐसे थे। वो काम में बिल्कुल नहीं, काम में कभी भी डायरेक्टर के विजन को पूरा सपोर्ट करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं है। अफकोर्स उनको श्योरली डिस्कस हुआ होगा, प्रेजेंट किया होगा कास्टिंग लिए, उन्होंने कभी नहीं बोला ऐसा सोचो इस तरह के लोग चलो। आई थिंक अफकोर्स इज एटली एटली ऑल्सो डन इनफ वर्क इन साउथ, सर का ट्रस्ट था तभी तो ही मेकिंग अ फिल्म, ही डिडंट वांट टू गेट इनटू एंड उसने पूरा किया। आई थिंक बट एटली हैड प्रूव्ड एवरीवन कि देखो मैं अभी भी लुक एट द नंबर्स ऑफ द, सबसे बड़ी फिल्में नहीं है कोई अभी। या ट्रू। आपने शाहरुख खान के साथ काम किया, सलमान के साथ किया, आमिर खान के साथ किया, सब मतलब मेरे हिसाब से जितने भी टॉप एक्टर्स होंगे सबके साथ किया है, और नए नए लोगों को तो चांस दिया ही है तो उसके लिए तो आप जाने ही जाते हो। क्या आज की डेट में भी जो ये टॉप एक्टर्स है, जो हमारे सुपर स्टार्स है करंटली, क्या वो लोग आज भी रिहर्सल कर रहे होते हैं अपने टेक से पहले, और दे लुक वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे डोंट रिहर्स एट ऑल? ऑफकोर्स नहीं, मैं बताऊं आपको, ये हमेशा ये मिथ होता है कि अगर वो इस पोजीशन पे सब लोग बैठे हैं ना, सब लोग रिहर्सल करके मेहनत करके बैठे हैं, तो कोई भी 30 30 35 35 साल तक रूल नहीं कर सकता है। सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो अक्षय सर हो, चाहे आमिर सर के बारे में सबको पता है वो कितनी मेहनत करते हैं, चाहे वो सलमान भाई हो, शाहरुख सर हो, चाहे वो मतलब अजय देवगन हो, ये सब बहुत मेहनत करते हैं। हाउ हार्ड वर्क, दीपिका को आप देखोगे, कटरीना को आप देखोगे, अनुष्का को देखोगे, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मतलब जितने भी सुपरस्टार है वो सब बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मतलब एवरीवन डज इवन लुक एट कार्तिक, लुक एट राजकुमार, लुक एट अर्जुन, लुक एट सिद्धार्थ, कियारा, कृति, सान, ये सब बहुत मेहनत करते हैं। मतलब ऐसा नहीं, शाहिद को देखो हाउ हार्ड ही वर्क, ऐसा कोई भी नहीं। आयुष्मान कितना मेहनत करता है अपने रोल के लिए, ये हमको लगता है कि स्टार अगर मेहनत नहीं करते, इनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनको वो प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर होता है, नंबर प्रेशर होता है, जो शायद हम लोगों के ऊपर नहीं होता। हम अपना काम करते हैं, उनके पूरे पिक्चर का प्रेशर होता है, तो आई थिंक ज्यादा मेहनत करते हैं। नहीं सही बात है। अगर अगर फिल्म खराब जाती है किसी भी रीजन, चाहे नंबर्स वाइज ही हम बात कर तो ले, ब्लेम उनको चला जाता है ना। बिल्कुल डायरेक्टली वहीं पर चला जाता है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस जितनी मर्जी अच्छी हो या उन्होंने कितनी मेहनत क्यों ना की हो उसके पीछे। एड यस अच्छा एक बात बताइए, जब जवान बन रही थी, जवान की कास्टिंग हो रही थी, फाइनली शूट होना शुरू हो गया था, क्या आपने इस तरह की सक्सेस जवान को लेकर एंटिसिपेट की थी उस टाइम? आप एंटिसिपेट तो करते ही हो, आपको मेहनत देखते फिल्म के सेट पे जब जाते हो, फिल्म का वाइब, फिल्म का स्केल, फिल्म के लोगों की इंटेंशन, उनका हार्डवर्क देख के आपको एक अच्छी फीलिंग तो आती है। क्योंकि आप एक किसी किसी भी मिलते हो तो वाइब आता है ना, तो आप जैसे ही फिल्म के सेट पे जाते हो, जिस तरह से मेहनत वो कर रहे थे, तो आपको पता ही था कि इस फिल्म की कुछ नॉर्मल फिल्म नहीं बन रही है, इसका कुछ और बड़ा होने वाला है। और शाहरुख सर जिस तरह से इस फिल्म के इन्वॉल्व थे, जिस तरह से उनका प्यार इस फिल्म के प्रति था, तो आई थिंक वो पता ही था कि ये फिल्म बहुत बड़ा, मतलब आई रिमेम्बर वाचिंग फर्स्ट स्क्रीनिंग पे जब मैं गया था, तो पिक्चर रिलीज नहीं होती, तो सबसे पहले आके मैंने ट्वीट कर दिया था कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म, तो सबने वो फर्स्ट रिव्यू करके उठाया है। तो एक्चुअली वो मालूम भी था कि गोइंग टू टच 1000 करोड़ फॉर श्योर, अभी वो होने वाला है। और आज फिर से ये छुट्टियां हैं 2 3 दिन की, अभी ये फिर से पिकअप करने वाले पिक्चर आज फिर से। आई एम श्योर ऐसा होगा। और जिस तरह की फिल्म जवान रही है, कहीं ना कहीं लोगों ने उससे उम्मीद भी लगाई थी और वो उम्मीद पर पूरी तरह से खरी भी उतरी है। और जिस तरह से पैन इंडिया फिल्म रही है, आपने आपने तो कास्टिंग की, तो आपको तो सबसे बेटर तरह से पता है कि शुरुआत से किस तरह का आपको ब्रीफ दिया गया और कैसे पैन इंडिया बनाना था। हिंदी हो, साउथ बेल्ट हो, नॉर्थ हो, कुछ भी हो, हर जगह से लोग लेने थे। आपको लगता है जवान की इतनी सक्सेस के बाद और इतने ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स के बाद अब आगे भी ज्यादा पैन इंडिया फिल्म बनेगी जहां पर हम हिंदी एक्टर्स एंड साउथ एक्टर्स सब साथ में देखने वाले हैं? आई थिंक ऐसा अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि वो सबके अलावा पैन इंडिया फिल्म हो या नहीं हो, पिक्चर अच्छी होनी चाहिए, पिक्चर अच्छी ही वर्क करेगी। मतलब आप पैन इंडिया गिमिक की तरह पिक्चर को बनाओगे कि इसको गिमिक की तरह यूज करना है मल्टी कास्ट करके, तो अलग बात है। इस फिल्म के अंदर आप टॉपिक देखो, स्क्रीन पे देखो,
सब बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब हम पैन इंडिया फिल्म के नाम पे गिमिक करते हैं कि यहाँ से एक्टर ले लिया, वहां से एक्टर ले लिया, इट वोंट लुक नाइस। ऐसा नहीं है कि अगर अब उसमें नयनतारा भी है, योगी बाबू भी, वो करेक्टली फिट होते थे फिल्म के अंदर तभी है। ऐसा नहीं है कि मत कि हम किसी किसी भी पैन इंडिया फिल्म को गिमिक की तरह करेंगे कि लोगों को इम्प्रेस करना, तो कभी वर्क नहीं करेंगे। पिक्चर अच्छी ही वर्क करेगी। ओके अच्छा, डंकी की कास्टिंग भी आपने की है तो कुछ उसका ही बताओ, बिकॉज लोगों को बहुत इंतजार है, आई एम श्योर जो भी लोग हमें देख रहे मैं नहीं हैं। बताऊंगा, डंकी आने तक का वेट करना। डंकी ऐसी फिल्म है जो, मतलब कहते हैं ना कि वे सारी फिल्में बहुत दिल के क्लोज होती है, लेकिन वो एक राजकुमार हिरानी जो पूरा फिल्म स्कूल है अपने आप में, उनके साथ काम करने का मौका बार बार मिलता है। पीके में भी मिला, संजू में भी मिला, और अभी टाइम उनकी, तो बहुत वो फिल्म के बारे में आई थिंक यू शुड वेट एंड वॉच। आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू एनी स्पॉइलर फॉर द फिल्म। इट्स मोर गोइंग टू बी, यू गोइंग टू क्राई, यू गोइंग टू लाफ, यू गोइंग टू जस्ट फील एवरीथिंग अबाउट द फिल्म। ओके एंड कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है, शाहरुख खान और राजकुमार ईरानी लाइक द बेस्ट इन देयर फील्ड्स, इनको साथ। सबसे बड़ा डायरेक्टर, सबसे बड़ा स्टार टुगेदर। या दैट्स गोना बी अ ट्रीट, आई एम श्योर ऐसा होने वाला है। अच्छा ये बता दो, क्या इसके साथ आपको लगता है कि 2023 इज गोना बी शाहरुख ईयर ऑल द वे, बिकॉज अब भी तो वैसा ही लग रहा है। मैं तो इन फिल्मों में काम कर रहा था, मैं 2 साल पहले ही बोल दिया था, तो मुझे ये बात बोलने में कभी वो नहीं लगता। मैं 2021 में बोल दिया था कि 2023 गोइंग टू बी शाहरुख ईयर, एंड वही हो रहा है। अब आप देख लीजिए, पठान से शुरू हुआ सिलसिला, अभी जवान तक चला, अभी डंकी हो जाएगा, तो ये तो चले। शाहरुख सर, ये दिस दिस हम लोग लकी है कि हम लोग शाहरुख खान के एरा में दे रहे हैं। कॉलेज, हमारा स्कूल कॉलेज और हमारा दिस 40 ऑल्सो एंजॉयिंग विद शाहरुख सर ओनली, दैट्स द बेस्ट पार्ट। या एंड आपका तो और भी अलग खास है, बिकॉज आप भी दिल्ली से और शाहरुख भी दिल्ली से हैं, तो वो दिल्ली बिल्कुल, दिल्ली दिल्ली वाला। की बातें करते हैं, इतनी बात करते हैं दिल्ली के खाने पीने की, और जिस तरह से वो बात करते हैं, वो ये ना कि उनके साथ, मतलब आप 5 मिनट बाद भूल जाते हो वो आपको इतना प्यार करते हैं, देन यू जस्ट बिकम वेरी ओपन विद हिम, आप बात करते हो भूल। दैट्स शाहरुख खान मैजिक, वो मैजिक, मतलब अगर मेरे अंदर उसका 0.1% भी आ जाए ना, तो आई फील लकी। हाँ दैट्स सो स्वीट, रियली रियली स्वीट। बट थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर चैटिंग विद यू, टॉकिंग टू यू। लाइक कभी ऐसा फील ही नहीं होता दैट यू आर यू नो इंटरव्यूइंग यू, और ऐसा फील ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि बातें कर रहे हो। तुम भी दिल्ली के, हम बातें करते रहते हैं। वो हमने जो टॉक शो होते हैं, वॉक एंड टॉक जो कर रहे थे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच, एंड जल्दी मिलते हैं, आप दिल्ली आइए तो जरूर मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम, और इसी तरह से बढ़िया बढ़िया से प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग करते रहिए, नए नए चेहरों को लाते रहिए, और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हमें प्रेजेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।